हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका कुंदन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में फुल रिवाइज के साथ डिस्कशन करेंगे। फुल रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप एक बार ये वीडियो को देखें और एक बार में आपको सभी के सभी क्वेश्चंस तैयार हो जाएं, ताकि दोबारा आपको देखने ना पड़े। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें लिंक को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, वहां से आप चाहेंगे तो पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना कहाँ शुरू हुई? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, नई दिल्ली, जम्मू। तो नई दिल्ली में कोविड-19 को लड़ने के लिए 5T योजना शुरू की गई है। दोस्तों, इसकी कुछ जानकारियां दे देता हूं आप लोगों को डिटेल के साथ। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए इस 5T योजना को शुरू किया है। इस 5T योजना में पहला टी टेस्टिंग, दूसरा टी ट्रेसिंग, तीसरा टी ट्रीटमेंट, चौथा टी टीम वर्क और पांचवा टी ट्रैकिंग व मॉनिटरिंग होगा। कोरोना वायरस चीन के वुहान में फैला हुआ है, जिसको कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है, जिसमें आपको पता ही होगा को से कोरोना आ जाएगा, बी से डिजीज हो जाएगा, बी से वायरस हो जाएगा और डी से डिजीज हो जाएगा, और 19 से 2019 में फैला हुआ है, इसलिए 19 नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। यहाँ पे मैं दिल्ली की कुछ डिटेल देता हूँ। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो तीसरी बार बने हैं। ये आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये आप मैप में दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली की लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? करुणा, कोरोना कवच, कोरोना, कोरोना वाच। तो करुणा नामक पहल की शुरुआत की है IS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कोरोना का पूरा नाम सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच आप सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स है। कोरोना पहल का उद्देश्य किया गया है, कोरोना एक सहयोगी मंच है और इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के सरकारी प्रयासों को समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। इस मंच का उपयोग स्वास्थ्य उपकरणों और निर्माताओं के डाटाबेस को एकत्रित करने के लिए किया जाएगा और यह मंच दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के वितरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है? बिहार, त्रिपुरा, पंजाब, केरल। तो केरल राज्य में दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण दरवाजा वितरण योजना में पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों को घर तक पैसे पहुंचाए जाएंगे। इसमें आपको होम डिलीवरी की तरह पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है? नई दिल्ली, जम्मू, कपूरथला, देहरादून। तो कपूरथला में कोच फैक्ट्री का निर्माण कर रही है वेंटिलेटर के लिए भारतीय रेलवे। पंजाब के कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री में जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है।
आपको यहाँ बता देता हूँ वेंटिलेटर क्या आता है, आप चित्र में देख सकते हैं वेंटिलेटर कैसा आता है। इसमें मरीजों को सुलाया जाता है। ये एक ऐसे मशीन है जो मरीजों की जिंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है और खुद सांस नहीं ले पाते हैं और यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं और इस बीच डॉक्टर के इलाज के जरिए फेफड़ों को दोबारा काम करने लायक बनाते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में, रेल मंत्री प्रेजेंट में पीयूष गोयल हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? केरल, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो बिहार राज्य सरकार ने 1,000 रुपये प्रवासी श्रमिकों मजदूरों को देने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे लोगों को बिहार सरकार 1,000 रुपये उनके खाते में डालेगी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। इसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर फागू चौहान हैं। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। क्या है? संजय करोल। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। मैप में आप देख भी सकते हैं, ये मैप एक रेफरेंस की तरह है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार की लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोपिंग की वजह से किस देश के वेटलिफ्टरों पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा है? थाईलैंड, मलेशिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों, थाईलैंड और मलेशिया दोनों पे बैन लगी है। थाईलैंड और मलेशिया दोनों पे बैन लगी है डोपिंग की वजह से। इसकी कुछ जानकारी देता हूँ, विश्व में सभी खेलों पर डोपिंग के इस्तेमाल को रोकने का काम वाडा संस्था करती है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में विश्व डोपिंग विरोधी संस्था भी कहते हैं। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुई। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी मुख्यालय है वाडा की, जिसे हिंदी में विश्व डोपिंग विरोधी संस्था भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष जॉन फाय हैं। देखिए दोस्तों मैप, मैंने थाईलैंड का मैप दिया है रिफरेंस के लिए। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। करेंसी थाई बात है, करेंसी याद रखिएगा, थाई बात करेंसी है। प्रधानमंत्री है प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा। नाम जरा टेढ़ा है मगर याद करना जरूरी है क्योंकि जब तक लाइव में स्टूडेंट शब्द लिखा है तब तक आपको ये सब जानकारियां लेना जरूरी है। नौकरी लगने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं मलेशिया की कुछ जानकारी बता देता हूँ। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मैप में आप मलेशिया को देख सकते हैं, सटे इंडोनेशिया भी है इसके। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। करेंसी मलेशियाई रिगत है और प्रधानमंत्री हैं मोहिदुन यासीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी को किस देश की विदेश शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? यूके, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली। तो यूके का विदेश शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ये हैं आपकी लीजा नंदी जो भारतीय मूल की हैं। यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और इसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जो अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इनकी हालत भी नाजुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? मिंत्रा, डंजो, फ्लिपकार्ट, अमेजान। तो डंजो के साथ समझौता किया किसने? ब्रिटानिया कंपनी ने डिलीवर के लिए। डंजो एक ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दिशा में ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपनी सभी उत्पाद डिलीवरी करने के लिए ऑन डिमांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डंजो जो है ऑन डिमांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, के साथ साझेदारी की है। ब्रिटानिया का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1892 में हुई थी। इसके सीईओ हैं वरुण वैरी। कौन है? वरुण वैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हुआ? ब्रिटेन, चीन, नेपाल, लीबिया। तो लीबिया के प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया अभी हाल ही में।
ये है मैप, ये है चित्र में महमूद जिब्रिल जो लीबिया के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने लीबिया के गृह युद्ध के दौरान 7.5 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद संभाला हुआ था। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की करेंसी लीबियाई दिनार है और प्रधानमंत्री प्रेजेंट में फैयज अल सरराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ रिविजन्स हैं। डीआरडीओ ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? देहरादून, भोपाल, अहमदनगर, जम्मू। तो अहमदनगर ने डीआरडीओ में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम का डिजाइन किया है। अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहीं पे फुल बॉडी सैनिटाइजिंग कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए हुआ है ताकि इससे बीमारी से सुरक्षित रह सकें लोग। ये है आपका चित्र में डीआरडीओ का लोगो। दोस्तों डीआरडीओ का टैगलाइन है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अब आइए आज के कुछ क्वेश्चन का रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। कोविड-19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप 2020 रद्द कर दिया, इसका आयोजन कहाँ होना था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होना था। कोविड-19 से लड़ने के लिए 5G योजना कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। भारतीय मूल की संसद लीजा नंदी किस देश की विदेश छाया मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यूके की। डोपिंग की वजह से किस देश के वेटलिफ्टरों पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा है? तो थाईलैंड और मलेशिया की। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? तो अहमदनगर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले जीवन वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है? तो कपूरथला में। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है? तो केरल राज्य में दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि जनता दल पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो करुणा नामक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डंजो के साथ, जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्शियल पोर्टल है, उसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हम लोग के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और रिवीजन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें।